ऐसी आई कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर उसमें उन्होंने प्रदान कर दिया, तो गुरु किस मार्ग से तुम्हारा उत्तर देते हैं ये पता नहीं चलता, लेकिन निश्चित रूप से आपके प्रश्न का उत्तर 24 घंटों के अंदर मिलता है। अगर आप इसी तरह एक बार ऐसा ही हुआ कि घर में कोई बीमार हो गए थे, और साधारणतः यह है कि अपने पास पैसे होते हैं नहीं होते हैं, उस बीमारी के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, तो हम तंग आ जाकर कहते हैं गुरु जी ये बीमारी आई है क्यों, ये बीमारी ऐसा हुआ ही क्यों, आप सब हमारे ऊपर आपका मित्र करने वाले होता है, ऐसा दिल में कभी भावना आकर बैठ गए और लिखते हैं चिट्ठी करके गुरु जी ये किस लिए बीमारी है, किस तरह कम होगी, तो सुबह से इंतजार करता रहा कुछ हुआ नहीं, लेकिन शाम में क्या हुआ, एक बीमार व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा कि गुरु जी 3-4 साल से मेरी माँ बीमार है, सारे डॉक्टरों को बताओ, मेरे पास करोड़ रुपये हैं, मैं इसको अमेरिका में लेके गया लेकिन वो बीमारी कम नहीं हो रही है, क्या बात है, और मेरी माँ की अंतिम इच्छा है कि एक बार वो आपका दर्शन कर लें और उसके बाद प्राण रहे या गए मैं उनको आपका दर्शन करना चाहती हूँ। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि मैं खाली मेरे घर में बुखार आया तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरे बच्चों को भी आपको नहीं देते, और वो बूढ़ी माँ मेरे पर इतना विश्वास करती है कि एक बार तुम्हारा दर्शन ले लो बस मैं जीवन में कुछ नहीं चाहती। मैंने मेरे बच्चे समझा कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मैंने फिर कभी भी गुरु जी के पास प्रश्न का कागज नहीं रखा और कहा कि पंडित गुरु जी आप देखने वाले हैं, आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में क्या चाहिए क्या होना चाहिए, या आपका आपकी कमी है आपकी कमी है। इस प्रकार मैं कहता हूँ कि हम अगर विश्वास के साथ जीते हैं और गुरु को मानकर जीते हैं तो निश्चित रूप से हमारे प्रश्नों का उत्तर गुरु जी नित्य देते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। जो लोग नित्य 5 से 7 में गुरुमंत्र की 5-6 माला करते हैं उनका भार गुरु जी पर रखा जाता है, गुरु जी देखते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ उदाहरण हूँ, केवल इन सारी भाग दौड़ में 4 माला करना या जब करना है मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी इतने लोग जो जंगल में रहते हैं, जहाँ आज आश्रम मेरा जंगल है जहाँ सारी जंगली जंतुएं सांप आदि सब रहते हैं, प्रभु की कृपा से किसी को आज तक कुछ नहीं हुआ, केवल ये उदाहरण है मेरा कि गुरु जी की 4 मालाएँ सभी की रक्षा करती है, रक्षा करने की गुरु जी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप इसी प्रकार का कार्य करें। केवल गुरु मंत्र लेना भी, गुरु मंत्र का करना भी उतना ही जरूरी है। आजकल हम देख रहे हैं संसार में बहुत सारे लोग आए हैं, मैं कभी भी मेरे प्रवचनों में कहा करता हूँ, कोई ध्यान कहता है, कोई कुछ योग कहता है, कोई आसन करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन सच बात तो यह है कि जब तक हमारा शरीर सिद्ध नहीं होता और शरीर सिद्धि के लिए आहार और व्यवहार और इसके ऊपर रहना बहुत जरूरी है। आजकल हम आहार देख रहे हैं, हमारे घी से पानी से लेकर पोल्यूशन है, बाटली भी पानी में लेकर रहते हैं उसमें कितनी स्वच्छता है या हम भी नहीं जानते, कितने मिनरल हैं ये भी नहीं जानते। हम हमारे शरीर को जब तक शुद्ध नहीं करते, अंतर्बाह्य शुद्धि नहीं होती, तब तक हमारे में आसन डालने की क्रिया नहीं आती, तब तक हमारे में योग करने की क्रिया नहीं आती, हमारे सांसों में भी वो वायु जा रही है जो पोल्यूटेड वायु है। अगर हम कुंभक करें, मैं हमारे पास एक बहुत बड़ा टैंक बंद है, वहाँ बाबा जी आए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा शिविर लगाया योग का और वहाँ 7 दिन शिविर चलता रहा प्राणायाम योग का सब, तो सभी लोगों ने कहा क्या मस्त है योग है। मैंने कहा एक बार जो सुबह हम लोग योग करवा रहे हैं उस समय हैदराबाद का पोल्यूशन देखो कितना है, 35% पोल्यूशन था, अगर वो प्राणायाम और श्वास करते हुए श्वास अगर खींचता है कुंभक करता है प्राणायाम को रोकता है, तो मैंने कहा 1 महीने के अंदर तुम देखोगे कितने लोगों को सांस की बीमारी आएगी। पहले हमें पोल्यूशन को ठीक करना, ऐसी जगह योग की क्रिया या ऐसी जगह प्राणायाम की क्रिया करना चाहिए जहाँ ऑक्सीजन भरपूर हो और एक शुद्धता हो, और इसके बाद हमारे खाने में एक शुद्ध खाना हो, तब आप योग की क्रिया कोई भी करो उसका रिजल्ट आता है। और ये आज के हम ये मिलना जगह मिलना ही बहुत मुश्किल है, पोल्यूशन रहित जगह या पोल्यूशन रहित पानी या पोल्यूशन रहित खाना मिलना ही बहुत मुश्किल है, और इसलिए हमारे शरीर तो बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को घुटनों का दर्द हो, सांस की क्रिया हो, खांसी हो, ये होने की क्या क्रिया है तुम्हारे शरीर में इसके होने की, केवल हम इस पोल्यूशन करें खाने को खाने करें और इसको ठीक करने के लिए कैसा हो ये हम नहीं जानते। मैं ये बात एक जानता हूँ, जब हमारे में किसी को मारने की शक्ति नहीं है तो हाथ में लकड़ी लेकर मारते हैं, क्योंकि हमारी शक्ति से वो नहीं बच रहा है तो लकड़ी लेते हैं, लकड़ी से भी काम नहीं होता तलवार लेते हैं, तलवार नहीं हो तो हम किसी बंदूक को लेते हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे में बस नहीं हुई तो तुमने किसी यंत्र का सहारा लिया, लकड़ी का, बंदूक का या किसका। उसी तरह जब तुम्हारे शरीर में तुम कितने योग करो कितने प्राणायाम करो तुम्हारे को ठीक नहीं हो रहा है, तुम्हारे सुख नहीं हो रहा है, तो गुरु जी कहते हैं कि तुम कुछ ऐसा साधन करो जिससे तुम्हारा कार्य हो। जब तुम्हारी चिंतन शुद्धता नहीं है
तलवार की धार अच्छी हो तो एक मार में खत्म हो जाता है, वैसा का वैसा ही अब इंद्र की धार अच्छी हो तो तुम पूजा करते रहो, साधना करो, एक ही आसन में एक ही साधना में साधना सिद्ध हो जाती है, क्योंकि इंद्र शुद्धिकरण किया हुआ होता है, जो शुद्धि हमारे में नहीं है इसलिए इंद्र का उपयोग करना है। इसलिए गुरु ने कहा मंत्र तंत्र इंद्र का अर्थ होता है, मंत्र का अर्थ होता है मनना प्रायण की तुम्हारा, तुम्हारे मन को शांति प्रदान करने के लिए मंत्र कहा गया है। तरना प्रायण की तंत्र इसका कह गया कि बाहर से हम अपने शरीर को धोने के लिए शुद्ध करने के लिए साबुन लगाना और कुछ लगाना, ये सारे तंत्र है। और यंत्र का अर्थ होता है ये सारी चीज़ें इसको बनाने की जो क्रिया है, साबुन को बनाने की और शैम्पू बनाने की क्रिया है उसी यंत्र का। इस प्रकार ये तीनों को होने के बाद तुम तुम्हारे शरीर को जैसा शुद्ध शुद्ध करते हो वैसा ही भगवान को प्राप्त करने के लिए मन से प्रार्थना करो। तो तुम्हारे मन से प्रार्थना करने के बाद भी हम मुझे मंत्र करते करते बुरे विचार आते हैं, मुझे कोई कोई ऐसे विचार आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, उसलिए यंत्र को रखना है कि यंत्र में कोई ऐसा दुष्ट विचार नहीं कर, प्राण प्रतिष्ठा युक्त है, तुम उसके सामने बोल रहे हो तो वो तुम्हारी बात सुन रहा है। भगवान जहाँ बैठे हैं ये तो पता नहीं, एक यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद तुम जो कहते हो वो बात सुनती है और बात वो यंत्र तुम्हारी बात उस भगवान तक पहुँचा देता है। जैसे सैटेलाइट की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट यहाँ से बात करते हैं पूरे संसार का हाल हम एक मिनट में जानते हैं, इस सैटेलाइट की प्रक्रिया आज वो लोग कह रहे हैं लेकिन हमारे पास की विद्या पहले से थी, लेकिन उसको यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करना या मंत्र को बोलना यह क्रिया बहुत कम लोगों को मालूम, और परमपुर सदगुरु जी ने यह क्रिया आरम्भ की। मैं इसलिए गुरु जी के इस कार्य को कहता हूँ तुम 60 वर्ष भी कर लो, सामर्थ्यवान जो रोगी बनकर मंजो या जिसम का जीवन करते हैं मंजो या दुख भरा जीवन मंजो, जियो तो शेर की तरह जियो, और इसको जीने के लिए तुम्हें सारे सारा संसार पुरुषन भरा हो जाए लेकिन साधना पूरी के नहीं होती, और जो साधना ठीक तरीके से लगता है उसकी इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए साधना में आपको गुरु जी ने कहा मैंने अपनाया और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस मार्ग पर आगे चलें और अपनी इच्छा पूर्ण हो। मैं निमेश जी और उनके परिवार को चाहता हूँ कि आगे बताए वो करें। आप एक सुंदर सा भजन सुनाएं।